बड़े प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है ये भूखंड। यहाँ की धरती ने कई समर देखे, पर ऐसा कतई नहीं कि जहाँ रण हो वहाँ रंग ना बिखरे। जी हाँ, यहाँ भी रंगों की आभा बिखरती है। खेल और कुश्ती यहाँ की पहचान है और मूंछों पर ताव देती विवाह की यहाँ का अंदाज। बात आज हरियाणा से। हरियाणा का वैसे तो फर्नीचर, रग, दरी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कला और पेंटिंग से भी यहाँ का बहुत पुराना ऐतिहासिक रिश्ता है। हरियाणा में लगभग ईसा पूर्व 2500 साल पहले की जो खुदाई में अवशेष मिले हैं सिसवाल की खुदाई में, उनमें मिट्टी के बर्तनों पर उकेरी सफेद काली रेखाएं कहती हैं कि कला का वर्चस्व हर काल में रहा। हरियाणा के पेंटिंग्स पर राजपूत कला की छाप दिखती है। हरियाणा में वैसे तो हर्षवर्धन के काल में भी कला बहुत पनपी फली थी, लेकिन अस्थल बोहर पेंटिंग्स जो हैं वो आज भी यहाँ जानी जाती है। पचकुला और पिंजौर के मंदिरों की दीवारों पर इनको देखा जा सकता है। अस्थल बोहर पेंटिंग वास्तव में राजपूत शैली का ही हिस्सा है। अब राजपूत शैली का हरियाणा पे प्रभाव कैसे रहा, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राजपूतों का वैसे तो राजपूत शैली राजस्थान की भूमि पे पली बड़ी पनपी है, लेकिन जहाँ जहाँ राजपूत शासन काल रहा वहाँ वहाँ ये शैली फैली। अब राजपूत कला और मुगल शैली में एक सतही अंतर है, हालांकि दोनों एक दूसरे से काफ़ी करीब दिखती हैं, लेकिन मुगल शैली में वहाँ का राजसी वैभव दिखता है और राजपूत शैली में वहाँ का सामाजिक जीवन। और ऐसी ही हरियाणा की पेंटिंग मात्र मड़ की पियाओ, जिसे महाराणा तेज सिंह के महलों की दीवारों पर आज भी देखा जा सकता है, ये पौराणिक पेंटिंग्स हैं। हरियाणा में वैसे आज की स्थिति में कला का ये रूप कुछ ओझल सा होता जा रहा है, लेकिन खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी और रंगों से पहचान फिर हो सकती है, लेकिन मुझसे मुलाकात दोबारा यहीं हो सकती है। आर्टिस्ट प्रेजेंटेड बाय सेव आर्ट, अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात करूंगी। टिल देन गुड बाय।